खैर वो जो अंकल आए हुए थे दूसरे, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो बेचारे बूढ़े से बुजुर्ग हैं, मैं उन पे क्या बोलूँ। आई वुड नॉट, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे यही सिखाया है कि जो आपसे एज में बड़ा हो ना उसकी तमीज करनी चाहिए। उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, वो बेचारे अब वो अपने बुढ़ापे में, उनको क्या हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे। मगर संजय डिपशिट जी, आपकी तो बस, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप एक बात बताइए ना कि आप डिबेट कर लेना, आप डिबेट कर लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग डरते क्यों हो? एक तो आप लाइव कॉल्स नहीं लेते हो, सब लाइव कॉल्स नहीं लेते आप, कमेंट्स आप वही पढ़ते हो जिसमें आपको पैसे मिल रहे होते हैं। पैसों के इतने भूखे, इनका शो ही स्टार्ट होता है हमको सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और हम सिर्फ जो पैसा देगा उसी का कमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि हम इतने भूखे हैं पैसों के लिए, हमारा घर ही आपसे चल रहा है हेट फैला फैला। सो प्रोपोगेंडा आजकल यही चलाया जा रहा है कि हम एंटी हिंदू और हम एंटी इंडिया हैं, एंटी हिंदू एंटी इंडिया हैं, क्योंकि मालीज ने एक इंडिया में जो औरत पे जुल्म हो रहा था उसके बारे में बात कर दी, तो वो एंटी इंडिया हो गई। जो 25 साल से इंडिया मालीज को प्रमोट कर रहे थे वो कुछ नहीं था, वो तो मौलानाओं को गालियां दे रही थी ना, तो वो तो जय जयकार कर रही थी ना, इनके इनके एजेंडा पे चल रही थी। आई गेस चला नहीं रही थी मुझको, मगर मैं इनके एजेंडा पे फिट हो रही थी, तो इस वजह से मालीज की जय जयकार थी। यहाँ पे ही देख लो ना, 1 महीने पहले देख लो, वही लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके चले गए जब उनकी बारी आई। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, जैसे मैं, मुझसे ना झूठ और हिपोक्रेसी मुझको एलर्जी है। आई डोंट लाइक दीज टू थिंग्स जो आप लोग हो। तो ये प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, और हिंदू हिंदू एंटी हिंदू, आप लोगों से ज्यादा हिंदुओं को मैं आज जानती हूँ जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, मगर हम ये नहीं देखते कि वो इंडियन है या हिंदू है, हम यहाँ देखते हैं कि वो इंसान है, और इंसान कैसे, अच्छे इंसान है, चलो ठीक है हम उनके साथ काम करते हैं। एंटी हिंदू है, मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, ठीक है। यहाँ हुआ ये कि एक बंदा था, इंडियन था, वो एक रियल स्टेट एजेंसी के साथ काम कर रहा था, तो उसने लिखा, उसने ट्वीट कर दिया कि यहाँ पे अजाने शुरू हो गई थी ना, लाउडस्पीकर पे जब अजाने शुरू हुई थी, लास्ट ईयर की बात है, तो उसने ये ट्वीट किया था कि व्हाट इज नेक्स्ट, कैमल राइडिंग ऑन द स्ट्रीट्स, और कुछ और भी उसने लिखा था इसी तरह से। तो उसके पीछे पड़ गए थे सारे मुसलमान कम्युनिटी, यहाँ की पाकिस्तानी मुसलमान कम्युनिटी, हाय इतना इतनी चीज कर दी। अच्छा, जिसकी रियल एस्टेट एजेंसी थी वो खुद एक हिंदू, वो खुद एक हिंदू, हुआ क्या उसको, इतना उसने धमकाया उस बंदे को, फायर करवा दिया, निकलवा दिया। तो मैंने उस रियल एस्टेट एजेंसी को फोन किया और मैंने उनसे कहा कि आपने इनको क्यों फायर किया? तो कहने लगे यार हमको तो सुबह से इतनी कॉलें आ रही हैं, लोगों ने कॉल कर करके परेशान कर दिया, हमको निकालना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आई एम सॉरी, आपको, आप इस हक में हो कि अजाने हो लाउड स्पीकर पे? मैंने कहा उस बंदे ने बुरा यानी बोला क्या था, गलत क्या बोला था, मुझे ये बताइए ना। तो वो कहने लगे कि आप जो हो, आप पहली बंदी हो जिसने पॉजिटिव कॉल की है, बाकी सारे तो हमारे अगेंस्ट, हमारी फाड़ के रख दी। तो आई एम सॉरी टू से, ये देख लीजिए आपके हिंदू, और उन्होंने बताओ क्यों करा, कहने कि हमारे पास मेजोरिटी यहाँ पे मुसलमान एजेंट्स काम करते हैं, तो हम तो नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते। हालांकि उस बंदे ने वो ऐसी बात नहीं की थी, आई थिंक ही वाज टॉकिंग द ट्रूथ, राइट? सो जिसको मेरी बात पे वो नहीं है तो जाके आप सर्च कर लो, अपनी होमवर्क करा करो। तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग हियर, यू नो। तो ये डॉक्टर बेवकूफ है कौन, बस उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ना अपनी जबान को नापाक नहीं करना चाह रही हूँ। मालीज आई एम एंटी हिंदू, आप नहीं हो दीपक पांडे जी, ना ही मैं ही एंटी एंटी हिंदू हूँ, ना मैं एंटी पाकिस्तान हूँ। यही चीज ना, मैं 25 साल से यही चीज मैं पाकिस्तानियों से सुनती आ रही हूँ, ये एंटी मुसलमान है, ये एंटी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की बुराई करती है, ये मुसलमानों की बुराई करती है, वही चीज वही आर्ग्यूमेंट्स। तुम्हें जब जिस रिलीजन का पता नहीं हो तो उसके बारे में बोलती क्यों हो, तुमने पढ़ा नहीं है तो तुम्हें बोलती क्यों हो, ये रॉ की एजेंट है। 25 साल से मैं रॉ की एजेंट थी, अब मैं आईएसआई की एजेंट हो गई, और यहूदी एजेंट तो मैं हमेशा से रही हूँ। ओ अब हम क्रिश्चियन एजेंट भी बन गए हैं, ना ना हमारी प्रमोशन हो गई, अब हम क्रिश्चियन एजेंट भी बन गए हैं, यानी कुछ भी कुछ भी कुछ भी टाइटल लगा के बैठ गए वहां पे, ये एंटी हिंदू है, मैं यहाँ पे टाइटल लगा के बैठ जाऊं कि ये सब पेशाब पीते हैं तो क्या सब पेशाब पीने बैठ लग जाएंगे?
आपके लिखने से हो जाएगा, बस ये चीज हमको दिख रही है कि आपका प्रोपोगेंडा क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर इनके भाड़े के टट्टू, क्योंकि देखिए इंडिया तो बड़ा है, वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, राइट, इनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं ट्रोल हाउसेस बुक करके। आजकल जो बेचारे छोटे मोटे, इनके टट्टू नहीं है छोटे मोटे, जिनकी 15-15 रुपए की ट्वीट डालते हैं, तो इनकी भी मैं चाहती हूँ कि इनकी भी रोजी रोटी चले। तो आजकल तो आप लोगों की वजह से, तो आप लोग मेरी वजह से ना, आप लोगों की रोजी रोटी चल रही है जो आप लोग ट्रोलिंग कर रहे हो। दासी जी कहती है मेरे को अब्यूज किया जा रहा है, मेरे को अब्यूज किया जा रहा है। एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, सबर कीजिए सबर कीजिए, अगर आपने नहीं देखा है ना तो मैं दिखाती हूँ। इंडिया किसी डिक्शिट या कोई दासी या किसी दानिश के बाप का नहीं, अगर मेरे देश में कुछ गलत होगा तो उसे क्रिटिसाइज करके ठीक करेंगे। आप बोलो मानीज, हेट मॉन्गरिंग चैनल की केयर मत करो। थैंक यू, जबरदस्त बात की है, ऑब्वियसली कभी नहीं। मैं कनाडा में, अच्छा वेस्ट में ना, वेस्ट क्यों आप लोगों से बेहतर है आपको पता है क्यों है? क्योंकि वेस्ट में ना गोरे अपने आप को सही करने के लिए अपने आप को खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं। जो आप लोग हमेशा, अभी 2-3 है ना जिनको पता चल गया है कि यहाँ पर वो इंडिजिनस, वो बच्चों की ग्रेव निकली थी, ये भी नहीं पता कौन थे बच्चे, कब निकली थी, क्या था उसके पूछे, बैकग्राउंड नहीं पता, बस आके वो कमेंट लिख देंगे वो दो कनाडा में। तो कनाडा ने उसपे बहुत कुछ किया है, वो इंडिजिनस बच्चे थे, बहुत पुरानी बात है जब यहाँ पर गोरों ने बहुत तशद्दुद किया था नेटिव्स पे, तो वहां पर वो एथनिक क्लेंजिंग कर रहे थे जो आजकल मुसलमानों की हो रही है चाइना में, है ना। तो मुसलमान उस पर तो बात करते नहीं है, इमरान खान उस पर तो बात करते नहीं है, मगर पूरी दुनिया के पैलेस्टाइन हो जाए या कश्मीर हो जाए तो वहां पे वो खड़े हो जाते हैं बिल्कुल ही। सो सेम शिट वही है, बस डिफरेंट, किसी का कलर थोड़ा डार्क है, किसी का थोड़ा लाइट है। अगर हम इस चीज पे बात करें तो हम एंटी हिंदू या एंटी इंडिया नहीं है, और ये प्रोपोगेंडा धड़ा 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 धड़ किए जा रहे हैं। बाय द वे, हम लोग दलील से बात करते हैं, प्रूफ के साथ बात करते हैं, वो कहां गया, आज क्यों नहीं आया क्वांटम हिंदू, तुम आए क्यों नहीं आज मुझको, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे सबके सामने माफी मांगना चाहती हूँ क्वांटम हिंदू, तुम जरा आओ ना क्वांटम हिंदू, आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ सबके सामने, तुमने मालिश को एक्सपोज कर दिया, तुमने मालिश की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया और 400 व्यूज ले लिए अपने उस पे। हाय, अच्छा तो दासी जी कहती है इनको ना बड़ा बड़ा इनको वो किया जा रहा है, बड़ा वो किया जा रहा है। चलो हम भी देखते हैं इनको क्या किया जा रहा है। ये देखिए आप जरा, डिसलाइक देखिए। और अब ना नीचे चल के जरा हम उनके लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं जो रिलीजियस होते हैं, क्योंकि हमारे तो मोरल्स नहीं, हमें तमीज नहीं, हम तो एथियस्ट हैं, मगर जो रिलीजियस लोग हैं जो खुदा को मानते हैं भगवान को मानते हैं, ये तो कभी कोई गलती करते नहीं ना, ये तो बहुत ही शरीफ लोग हैं, ये औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, ये हर किसी की बहुत इज्जत करते हैं। तो चलो उनके कमेंट्स पढ़ते हैं हम। ये देखिए, आमना के शो में 3 आवर्स में तुम लोग बस नंबर्स में ही रहते रहना, देखो पी लव आमना सरदार, आंटी जल भुन रही हैं। हाँ नहीं, मैं तो बड़ी जल गई। शाहिद, अच्छा मैं दिखा रही हूँ आपके, इनके कमेंट्स आए थे यहाँ पे, एक सेकेंड लेट मी शो यू ऑन माय कम्युनिटी। वैसे तो बहुत कमेंट्स हैं, आई डोंट रियली केयर फॉर देम, मगर गुड्डी भैंस मैंने कहाँ गया यार, आई नो देर वॉज सम बैड कॉमेंट्स हियर, क्या डिलीट कर दिया तुम लोगों ने, अच्छा खैर एनी वेज, यहाँ से निकल के मैं आपको ये दिखाती हूँ कि डिसलाइक्स कितने आ रहे हैं, लाइक आई स्वेयर टू गॉड ऐसी गांड के अंदर आग लग गई। देखिए 190, 191, हाय कालीदासी जी, ये देखिए आपके जो छोटे छोटे मिनियंस यहाँ क्या करिए, देखिए राजेश तिवारी महागलीज, कार्टून मैम महलीज, और कौन है ये आए, आमना ने डेटा नहीं लिखी, अरे भैया तुम लोगों के सामने ना बंदा सबूत भी रख देना, तो तुम लोगों के सामने दिन हो रहा होगा ना, तो आप कहोगे नहीं नहीं रात है क्योंकि पैसा आ रहा है।
कोई अगर ये साबित करके एथियस अच्छे नेक होते हैं तो मैं एथियस, हमने कब कहा हम नेक हैं, हमने कब कहा? ये देखिए मनीष सिंह, ये देखिए आपके सना टुनी 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 लोगों ने क्या क्या अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए हैं। हाय हाय हाय, देखिए देखिए वैसे तो ये देखिए बुढ़ापे में सटिया आ गई हो, कनाडा वाली मौसी, पॉइंट हब कर लो, अब तो राज कुंद्रा अरेस्ट हो गया है तो आपको कौन जॉब देगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे जो है ये आपकी रिलीजन ये सिखाती है आपको। हाय, इससे बेहतर मैं रिलीजन में ना ही रही, अच्छा है ना, अच्छा ही है ना कि मैं रिलीजन छोड़ दी मैंने। अगर रिलीजन में रह के लोग ऐसी बकवास करते हैं तो इससे बेहतर है कि आप उस गंदगी से बाहर निकल आओ। रिलीजन आपको चूतिया बेवकूफ खदड़ा सब बना देती है, चाहे कोई हो, आई डोंट केयर कौन सी रिलीजन है, चाहे वो मुसलमान इस्लाम हो या वो हिंदुइज्म हो या वो बुद्धिज्म हो या वो क्रिश्चियनिटी हो, ठीक है ना। सो दिस वॉज अमित तिवारी हिंदू नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना, ये आ गया फिर से। तुम सुनते नहीं हो अपने मास्टर्स की, अपनी टट्टे की शक्ल लेकर आ जाते हो हर हफ्ते, तुम लोग क्यों नहीं सुनते हो, तुम लोग क्यों नहीं सुनते हो? वैसे आपको कितने पैसे मिल रहे हैं इसके, 15 रुपीस, इतनी औकात है तुम लोगों की, मेरे मेरे लिए काम करो, मैं तुमको $15 दूंगी, दिन के $15 दूंगी तुमको, मेरे पास आ जाओ ट्रोलर्स, मेरे पास आ जाओ, मैं हायर कर लेती हूँ तुम लोगों को पैसे के लिए, तो तुम लोग अपनी माँ बहन बेच दो। वैसे ये देखो तुम्हारे बोलने से घंटा कोई नहीं चोदरा, तुम मत करो, मेरे कहने से कोई घंटा नहीं चोदरा, तुम घंटों को भी चोदते हो, ये तो नई चीज आई है मार्केट में, तुम घंटों को भी चोदते हो वहां पर कादरी। अच्छा ये सब रिलीजन तो रहो, घूंखाओ मुझे क्या है, तुम घूंखाओ, तुम पेशाब पियो, तुम सब कुछ करो, मेरे को क्या करो, अरे भाई करो ना, टंके की चोट पे करो ना फिर, अगर कर रहे हो तो, अगर आपने पीना ही है तो खड़े होके बोलो कि मैं पी रही हूँ, क्योंकि मैंने गोल्डन शावर बोल दिया था। वैसे कालीदासी जी आपने कौन सा वीडियो देखा जहाँ पे गोल्डन शावर का आपको पता चला? हाँ कहती है कहती है कि हम गोल्डन शावर तो नहीं ले रहे, तो वो भी ले लो, वो भी ले लो, किसने मना किया है आपको, वो भी ले लो जब पी रहे हैं तो गोल्डन शावर भी ले ले दुम उठा कर ना नीचे बैठ जाना वहीं पे वैसे भी आपके उसमें सोप अभी आने वाला है नया, गाँव मूत्र सोप अभी नई प्रोडक्ट आने वाली है, मुझे किसी ने उसने बनाई है, तो भैया करो। कल मोमिन ने $100 दिए थे, हाँ उन लोगों को ज्यादा जरूरत है ना सूर्या जी, जो बंदे को भीख मांग रहा है उसको जरूरत है ना, हमें जरूरत नहीं है, मालीज को जरूरत नहीं है, मालीज यहाँ पे रोजाना आके ना स्टूपिड बातें हेटरेड नहीं फैलाती है, वो करते हैं जिनको पैसों की जरूरत है। अब देखो ना अपग्रेड हो गया ना, वाइट वाला हेडफोन आ गया ना, बाल भी बंद गए, अभी अपग्रेड देखना आप, जब पैसे आते हैं ना तो अपग्रेड होती है थोड़ी सी, बस थोड़ा मेंटल इलाज भी करवा लें अपना तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मालीज को क्या है भैया, मैं अपनी जॉब करती हूँ, मुझे टाइम वहां लगाना पड़ता है, हमको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से गामुदर टारगेट करने लगा, तो तुमको क्यों इतना बुरा लग जाता है भाई, तुमको क्यों? देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है, ये एग्जाम्पल, मगर बात यह है ना कि आप लोग पीपी के जंग लग गया है दिमाग पे, तो आप लोगों की समझ में आएगी नहीं, मैंने जो भी बातें की होंगी ना वो कॉमन बंदा जिसके पास कॉमन सेंस हो, वो जाहिर हो बंदा, चाहे उसे एक ग्रेड भी ना पढ़ी हो, मगर अगर आपके पास कॉमन सेंस है ना तो उसको मेरी बात समझ में आएगी। अब जिसके पास दिमाग ही नहीं है तो उसको क्या समझ में आनी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, कैनेडा में वीड जिसे कहते हैं ना चरस, वीड, मैरुआना, वो लीगल है अभी 5-6 साल से लीगल हुई है, उससे पहले मेडिसिनल मैरुआना मिलती थी, यानी कि चंद कैंसर पेशेंट्स हो जाए, एंग्जाइटी पेशेंट्स हो जाए, या जिनको तकलीफ होती है, दर्द हो, यू नो पेन हो उनकी बॉडी वगैरह में, तो उनको जो है मैरुआना पीने की इजाजत थी, लाइसेंस मिलता था, तो वो था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उसके बाद वो लाइसेंस लिया था, तो मैं वीड पीती हूँ।
मगर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हों जो उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो वीड को गेटवे ड्रग समझते हैं। मतलब कि अगर बंदा वीड पीना शुरू हो जाए तो वो जो है फिर आगे कोक भी करेगा, फिर वो आगे दूसरी ड्रग्स भी करेगा, ये लोग ये समझते हैं, राइट। और हमारे पाकिस्तानी में बेचारे चर्सियों को तो है चरस पीता है, देखो पॉट हेड है, ये है वो है, नाम रखते हैं। अब आप जाके रखो, अब देखना ना सारे ट्रोल्स, अब देखना ये तो चर्सी है, ये तो ये है। अब तुम लोगों को देखो मैंने नया मटेरियल दिया है, जाओ अब इस पे कमेंट करो। कितना मटेरियल देती हूँ मैं तुम लोगों को ताकि तुम लोग 15 रुपए कमाते रहो अपने। तो लोग जो है उसको बुरी तरीके से देखते हैं, चंद लोग, हर कोई नहीं, चंद लोग। हालांकि उसके बहुत सारे मेडिसिनल मेडिसिनल साइंटिफिक साइंटिफिकली उसके फायदे हैं। कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है चरस, यानी वीड, ब्राउनीज आप खा भी सकते हो, आप पी भी सकते हो, अब तो ड्रिंक्स भी आ गई हैं, अब तो कैंडीज भी आ गई हैं, अब तो सब आ गई हैं। थैंक यू पाठक जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी चीजें उसके फायदे हैं, मगर यहाँ पे अभी भी लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि नहीं ये जो है ये देखो ना आ गए फौरन, तो ये लोग जो कहते हैं ना कि है वीड खराब है, गेटवे ड्रग है, इसको इसके बाद जो है वो हो जाएगा, आगे दूसरे नशों में पड़ जाएंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो हर किसी का ओपिनियन है, वो उनका ओपिनियन है, राइट। अब मैं उनसे लड़ना शुरू हो जाऊं, नहीं तुम मेरे चर्स पीने पे क्यों बोल रहे हो, तुम मेरी चर्स को क्यों खराब कर रहे हो, तुम मुझे चर्स पीने पे टारगेट कर रहे हो, ब्ला 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 ब्ला। मेरी गांड से बात तो नहीं निकल रही होती ना, नहीं होती ना, क्यों छोड़ दूं, अभी खून नहीं निकला है नीचे से। थैंक यू पाठक जी, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। आप ये भेज रहे हैं इन लोगों की नीचे से आग लग रही होगी, देखो इसको पैसे मिलना। इट्स ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी, हाँ एक्चुअली कुत्तों को भी दिया जाता, जानवरों को भी दिया जाती है वीड। बात पॉइंट ये है कि मैं डंकी की चोट पे बैठ के कहती हूँ मैं पीती हूँ, तो भाई आप पीते हो, पेशाब पीते हो, या जो भी पीते हो, या जो भी खाते हो, चाइनीज को देखो वो कुत्ते खा रहे हैं, वो टाइगर का एल खाते हैं, टाइगर्स पीनस एक डेलिकेसी मानी जाती है चाइना में, समझ में आई ना, बंदर का दिमाग एक डेलिकेसी मानी जाती है चाइना में, एक टाइगर की पीनिस जो है वो इतनी महंगी बिकती है चाइना में क्योंकि वो एक डेलिकेसी कहलाती है। मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगी, उस पर मजाक उड़ाऊंगी, देखो चाइनीज लोग टाइगर की पीनिस खा रहे हैं, चूतिए, राइट। तो आप क्या चाइनीज मेरे से लड़ने आ जाएं, आ तुमने कैसे बोल दिया, तुमने यूं क्यों कर दिया, यूं क्यों कह दिया, तुम तो हाँ चाइनीज हेट फैला रही हो, तुम तो चाइनीज हेट फैला रही हो, तुम तो नहीं, वो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं आम खाते हैं, तो अभी ये वुहान का वायरस भी तो वहीं से आया है ना, एनिमल पता नहीं कौन कौन से एनिमल खाते रहते हैं, वो तो डंके फिर खोल लिया उन्होंने, वो फिर खोल ली वो एनिमल मार्केट उन्होंने डंके की चोट पे, यानी थोड़े से अपने बॉयज बनाओ, तुम लोगों को क्या है, तुम लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है, ओन इट लाइक अ मैन, ओन इट लाइक पीते हैं, हाँ मैं होती ना आपकी जो तुम्हें कहती हूँ पीती हूँ तो तेरे बाप का तो नहीं पीती ना, ये जवाब होना चाहिए आप लोगों का, ये क्या रोना धोना है, आप हमारे कबूतर को टारगेट कर रही है, आप यू टारगेट कर रही है, विक्टिम मेंटालिटी। और सबसे ज्यादा ये लोग बातें करते हैं कि ओ ये लेफ्ट जो है ना बड़ा वोक हो गया है, फीमेल कार्ड यूज करता है, रेस कार्ड यूज करता है, सारे कार्ड तो आप लोग यूज कर रहे हो राइट वालों, सारे कार्ड तो आप ले रहे हो, लेकिन बैठ के मार रोना धोना रोना धोना रोना धोना, हम पे जुल्म हो रहा है, हमारे पे जुल्म, हमको टारगेट किया है, ओ माय गॉड, इतना तो 2 साल का बच्चा नहीं रोता जितने ये टूरीज रोते हैं, हर वक्त रोना धोना तो रोना धोना तो रोना धोना, और फिर कहते हैं हम औरत की बड़ी इज्जत करते हैं, आप लोग किसी की इज्जत नहीं करते हो, ठीक है ना, आप लोगों में पेट्रियार्की उतनी घुसी हुई है जितनी मोमिनों में घुसी हुई है, पाकिस्तान में इंडिया में भी उतनी ही पेट्रियार्की है,
छोटे कपड़ों में मुझे क्या देख लिया इन्होंने, मेरी क्लीवेज क्या देख ली इन्होंने, फिर वही हिपोक्रेसी। ये वो टूनीज है जिनको ये भूल जाता है कि हमारी सबसे बड़ी स्टार इस वक्त पॉर्न स्टार है सनी लियोनी। नो जजमेंट ऑन सनी लियोनी, वो करे जो करे, उसकी बॉडी है, उसकी मर्जी, वो जो करे। पूनम पांडे वो भी करे, शी हैज द राइट टू डू व्हाट शी वांट्स। मगर टूनियोस ये दिखाओ मुझे जरा, वो सविता भाभी मैंने कल लगाई ना, एक बंदे को ट्विटर पे आर्ग्यूमेंट हो रहा था, मेरे पे बोल रहा था कि तुम तो ओनली फैंस पे ये करती हो वो करती हो। ज्वाइन किसी ने नहीं किया क्योंकि $14 है नहीं इन लोगों के पास, 15-15 रुपए जिनको एक ट्वीट का मिल रहा हो, तो इमेजिन करो $14 जोड़ने में इनको एक महीना लगेगा, तो वो $14 जाकर अगर ये मेरे ओनली फैंस पे खर्च कर देंगे तो खाएंगे क्या ये, खाएंगे कहाँ से राइट ना। तो बोलने में ओ ओनली फैंस पे ये करती है वो करती है, राज कुंद्रा अरेस्ट हो गया, ब्ला 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 ब्ला। ओ भैया तुम्हारे तो कामा सूत्रा भूल गए, तो बंदा मुझे ही कह रहा था तो मैंने उसको कामा सूत्रा दिखाया, ओ ये तो हमारा स्क्रिप्चर ब्ला 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 ब्ला। मैंने फिर वो खजुराया वो दिखाया, ओ इसकी तो हिस्ट्री पढ़ो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने सनी लियोनी लगा दी, ये तो इंडिया की है ही नहीं, एक्सक्यूज मी सुनो। फिर मैंने पूनम पांडे लगा दी, कहते इसको तो कोई जानता ही नहीं। फिर मैंने सविता भाभी लगा दी वहां पे, फिर नहीं आया जवाब, फिर नहीं आया जवाब। आज ये भाभी का जो सिस्टम है ना, मैं हारिस की स्ट्रीम पे सुन रही थी कि ये भाभी का सिस्टम क्या है, अब मेरी समझ में आया तुम लोग की सविता भाभी से इतनी, इतने गंदे लोग, अपनी भाभी को नहीं छोड़ते तुम लोग। आई हाय 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 हाय, छी 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 गलीज। आई मीन हम लोग तो अभी सिर्फ गाँव उत्तर को लेके बैठे हुए थे, मगर भैया यहाँ तो हॉर्स घोड़े की एल को लेकर अपनी यूनि के अंदर डालने की बातें हो रही थी। ओए 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 ओए, टपा टप टपा टप टपा टप, क्या महान विचार है। ऐसे विचार हर किसी को दीजिए, हरे हरे राम। वैसे ये घोड़े का क्या था, आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या इन लोगों के इन्ने इन्ने से होते थे कि लड़कियों को घोड़े का चाहिए होता था। मैंने किसको जनरलाइज, अक्स जी अगेन फॉर द मिलियंथ टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट टूनीज। आप टूनी हो, आप टूनीज हो। मैंने कहा कि भाई मैं सारे इंडिया की बात कर रही हूँ, सारे इंडिया के मर्द एक जैसे हैं, या सारे हिंदू ऐसे हैं, कहाँ बोला मैंने ये, तो मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया, रिवाइंड करके देखना और फिर डिस्क्लेमर जब आपके दिमाग में आ जाए ना फिर बोलना। अगेन मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये वो टूनीज है, टूनीज जिसकी इतनी सी परसेंटेज है और इनका लंड भी इतना सा है, तो उनको जो है ना 15-15 रुपए मिलते हैं आके बकवास करने के लिए। तो जनरलाइजिंग नहीं कर रही हूं मैं, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। और नहीं मगर ये जो हॉर्स की बात है ना, ये तो है, ये तो है, ये जनरलाइजिंग की तो बात ही नहीं है। वैसे ये शक्ल तो तुम्हारी घोड़े से लग रही है, क्या तुम्हारी मम्मी ने घोड़े के साथ किया था जो तू पैदा हो। हाय सदके जाओ मैं तुम्हारे, क्यों आके पेश करते हो मुझे लिटरली। आप लोग मैं बता रही हूँ ना, इनको छोड़ो, मैंने तो रोस्टिंग में इस चैनल, आप लोग मुझे नीचे बताओ मुझे कितने लोग चाहते हैं कि मैं रोस्टिंग चैनल स्टार्ट कर दूँ। ये छोड़ो वुमेन्स राइट वगैरह छोड़ो, मैं रोस्टिंग चैनल स्टार्ट करती हूँ। नीचे टाइप करके बताइए, वन टाइप कीजिए जो जो समझता है कि मुझे महलीज को जो है ना रोस्टिंग चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लिटरली ये लोग आते हैं यहाँ पे, लिटरली मैं दिखाती हूँ आपको इन लोगों ने क्या किया है। ये आते हैं और ये आते हैं और कहते हैं महलीज ये लीजिए, महलीज ये लीजिए हमारी मारे, ओ ये क्या है पीछे क्या दिख रहा है, उप्स कुछ और दिख गया। कहते महलीज हमारी मारो, महलीज और तेल भी मत लगाना, ये कहते हमारी मारो और तेल भी मत लगाओ, ऐसे दो हमको, हमें ऐसे ही अच्छा लगता है, और अगर जितना बड़ा हो उतना ज्यादा मजा आएगा हमको। नवाजिश, सो मैं क्या करूं, आई 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 कांट हेल्प इट, आई कॉन्ट हेल्प इट। यूनी, मेरी यूनी पे बड़ी खुजली मच रही है। आपकी बेवकूफ चूतिया बेवकूफ जी, आपकी यूनी पे कभी खुजली होती है, या आपकी यूनी पे कभी क्रैब्स आए हैं? दैट इज माई न्यू फेवरेट वर्ड, योनी। योनी है, यूनी है, योनी योनी।
शिट, मैं ज्यादा जोर जोर से ना बोलू, पता चला मेरी बच्ची किसी दिन बोलना शुरू हो जाए किसी के सामने। हाय। और कितनी फाड़ू इनकी, इतनी फट गई है कि इनके पखाने निकल गए हैं, होल्ड नहीं हो रहे, खोल इतने बड़े हो गए नीचे से काउंसलिंग करवा करवा के। मैं डंके के चोर पे कहता हूँ, आई हैव ट्राइड गोट टेस्टिकल्स बिफोर आई टर्न वीगन, इट टेस्टेड ग्रेट बट प्लान टू गो वीगन एवरीवन। ये देखिए ना, ये हुई ना बात, क्या हुआ, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं। ओ क्यों उनका ब्रेकअप हो गया? ये आपके माँ जी जो है ना, ये हैं कहते हैं ना थाली के बैंगन, ये कभी इधर लुढ़कते हैं तो कभी उधर लुढ़क रहे होते हैं। इनको ये होता है कि जहां से इनकी जान को थोड़ा सा खतरा पड़ता है ना, वहां से लुढ़क के दूसरी तरफ चले जाते हैं। अरे भैया अपना एक स्टैंड रखो, है माँ जी से कहो अपना कोई स्टैंड रखो, आप लोग स्टैंड क्यों नहीं लेते अपने लिए? माँ के लिए भी मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, मैं ले लूं? वैसे आई डोंट केयर, अगर माँ जी चाहते हैं कि मैं उनके लिए स्टैंड लूं तो आई एम तैयार स्टैंड लेने के लिए, मैं तैयार हूं। पुक्कट और टट्टा वहां बैठा होता है ना, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस, उसकी तो गाड़ी अंदर भी कॉन्शियसनेस, उसको रात को ख्वाब में भी कॉन्शियसनेस आता होगा, वो जब अपनी बीवी पे चढ़ाई करता होगा ना तभी होता है कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस। और जब वो आ जाता होगा ना 2 सेकंड में, हर कॉन्शियसनेस हाय, उसकी बीवी भी कहती होगी, भैन चोद अपना कॉन्शियसनेस अपने अंदर डाल ले, आई मीन भाई चोद। हाँ, देखो एक बात ना, तुम लोग अपनी, तुम लोगों की गांडे मैंने इतनी फाड़ दी हैं, ये चंद जो टूनीज हैं, चंद टूनीज, मैं पूरे इंडिया की नहीं बात कर रही, मैं सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रही, ये जो लूनी टून्स होते हैं ना, इनका नाम लूनी टून्स रख दो, ये चंद है जिनका दिमाग सटे आ गया है, जैसे हमारे मुसलमान में सब चंद जिहाती होते हैं ना जिनका दिमाग सटे आ गया होता है, तो उनके उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। इनको आप कुछ भी बोल दो, इट डजेंट मैटर, आपके बोलने से, झूठ बोलने से सच नहीं हो जाएगा वो। आप ये बोल रहे हो कि यार रात है तो इसका मतलब रात नहीं हो जाएगी, दिन दिन ही रहेगा, समझ में आई ना आपकी ये बात? ये नहीं, समझ में तो आएगी नहीं आपके, क्योंकि आपके पास दिमाग ही नहीं है।